नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। पिंडरा जोड़ा में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। देखिए, भाजपा युवा मोर्चा के नेता भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पिंडरा जोरा के आमतल मोड़ के समीप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगे। मौके पर सिंह ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंदन क्यारी के जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ से स्वीकृत हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज को छीन कर दूसरे जगह ले जाने चाह रहे हैं। इसका हम सभी ग्रामवासी जोरदार विरोध करते हैं। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जान तक दे देंगे। उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी की जनता उतना कमजोर नहीं है जितना हेमंत सरकार समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, मैं सुरेश मेहता HBN न्यूज की ओर से चार संवाददाता। चंदन क्यारी में आवंटित हुए इंजीनियरिंग कॉलेज को निलंबित किया गया है, जिसके लिए भानु प्रताप सिंह एवं पिंडू झा के नेतृत्व में पिंडरा जोरा ग्राम के अमसल गांव में विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए हम जानते हैं इसके बारे में पिंडू झा एवं सर से। सर, आपका नाम? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह हुआ। सर, ये विरोध प्रदर्शन का मुख्य चंदन क्यारी ने प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज, जो पूर्ववर्ती सरकार माननीय रघुवर दास जी की सरकार ने जो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके लिए हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं और पूर्व मंत्री भी झारखंड सरकार के रहे, उनका सफल प्रयास रहा इसके लिए। लेकिन हमारे अभी जो गवर्नमेंट है, अभी की जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ इसको यहाँ से छीन के वापस दूसरा जगह ले जाना चाह रही है, स्थल परिवर्तन करना चाह रही है। इसलिए हम लोग आज इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिसका भूख लगता है उसको खाना जरूरी है, और खाना परोसने के बाद अगर उसका थाली वहाँ से हटा दिया जाए तो उसको कैसा महसूस होगा, जो आज हम लोग को वही चीज़ का महसूस हो रहा है। हम लोग के लिए तो दुखद विषय है कि झारखंड सरकार का ये अलोकतांत्रिक निर्णय जो झारखंड सरकार ने लिया कि यहाँ से चंदन क्यारी से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाह रहा हूँ, मैं झारखंड के मुख्यमंत्री से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग किसी हालत में यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्वीकृति हुआ था चंदन क्यारी में, उसको यहाँ किसी हाल में छीनने नहीं देंगे। इसके लिए अगर हम लोग को सड़क से सदन तक अगर हम लोग को यहाँ से मामला अगर आंदोलन करना हो, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। चंदन क्यारी की जनता उतनी कमजोर नहीं है, और इसके लिए केवल कि भाजपा का काम है या भाजपा के नेताओं का काम है, ये उनका सोचना भूल है। चंदन क्यारी की हर एक जनता को यह पता है कि यह मुख्यमंत्री जी अपने मनमानी कर रहे हैं, पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई चीज स्वीकृत हो जाता है, उसका टेंडर भी हो गया, उसके बाद अगर इसको छीन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि चंदन क्यारी के विधायक जी चाहे चंदन क्यारी की जनता कमजोर है, कम पढ़े लिखे हुए होंगे, उनको ये भी लग रहा होगा। खुद तो लग रहा है कि इतना ये बहुत विद्वान लग रहा है उनका कि हम बहुत विद्वान हैं, लेकिन सर आपका यही बोलना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तिथि शिलान्यास का तिथि निकलना चाहिए, और अन्यथा अगर वहाँ स्वीकृति नहीं देती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़े हम लोग करेंगे, चाहे जान देना पड़े तो जान देंगे, लेकिन चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। प्रमोद सिंह चौधरी, सर आपको क्या कहना है इसके विषय में? मेरा कहना है कि ये जो भरमसेन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति पूर्व सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री रघुवर दास की सरकार ने, और हमारे पूर्व मंत्री सा अभी चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी के प्रयास से जो स्वीकृति मिली थी उसको उन्होंने सृजन के तहत अभी की सरकार ने दूसरे जगह स्थानांतरित करना चाह रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि ये दूसरे जगह हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं हुआ था। तो ये चंदन क्यारी की जनता अशिक्षित होने के कारण ये इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति मिली थी, तो जो सोच रहे हैं वो गलत धारणा है उनका, और मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि वो शिलान्यास का तिथि निकाल के भरमसिया में अपने ही शिलान्यास करें, उसके लिए हम लोग तैयार हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये चंदनकारी छात्र एवं छात्रा एवं जनताओं की काम है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज चंदनकारी में बनना चाहिए, अगर नहीं बनती है इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, ये छात्र छात्रा आगे है इसके इस संघर्ष के लिए। मैं इतना ही कह के मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि शिलान्यास का तिथि निकालें।